डॉक्टर शशि बोरीचा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नियोनेटल जॉइंटिस के बारे में। जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें पीलिया होने लग जाता है, उन्हें जॉइंटिस होता है। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है? क्या ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है? मैं आज इस पर डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोनेटल जॉइंटिस जो होता है, वो 50% केसेस में, जो 50% बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फर्स्ट वीक में ये देखा जाता है, जब बेबी डिलीवर होता है उसके एक दो दिन बाद ही बच्चे में पीलिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है। पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उनके बच्चे को जॉइंटिस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि ये कहीं वही बीमारी तो नहीं जो एडल्ट्स में भी होती है, जो जॉइंटिस होता है जिसका कॉज हेपेटाइटिस या बाकी लीवर की कोई डिजीज़ हो सकती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे को पीलिया कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो एडल्ट्स में जॉइंटिस होता है उसका रीज़न लीवर डिजीज़ हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकते हैं। लेकिन जो न्यूबॉर्न में पीलिया होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो जॉइंटिस होता है, उसका ये कॉज नहीं होता। न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा RBC होता है, तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, रप्चर होते हैं, तो बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एडल्ट्स की कंपैरिजन में न्यूबॉर्न बेबी के अंदर RBC बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो बेबी का लीवर इतना ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं होता कि वो उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर पाए, उसे बॉडी से रिमूव कर पाए, तो उसके वजह से बच्चों को ज़्यादा पीलिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को जॉइंटिस के अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अलावा उन्हें कोई डिजीज़ नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि कॉमन है और नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। उस बच्चे को आपको फोटोथेरेपी देना चाहिए। फोटोथेरेपी से वो बहुत जल्दी रिकवर होने लग जाते हैं। एक वीक के अंदर अंदर उनका जो पीलिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है, वो धीरे धीरे उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाता है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी का जॉइंटिस बढ़ता ही जा रहा है और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करो, उसे फोटोथेरेपी नहीं दो, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होने लग जाता है। क्योंकि जब पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, जब बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो उससे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डैमेज होने लग जाता है और बच्चे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी को जॉइंटिस है, अगर लगता है आपको कि उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा येलो होता जा रहा है दिन से दिन, डिलीवरी के 2-3 दिन बाद ही बॉडी काफ़ी ज़्यादा येलो होने लग जाती है, तो आपको खाली उन्हें फोटोथेरेपी देना है, उन्हें 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखना है, उसके बाद उनका जो पीलिया है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा।